सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म गदर के सीक्वल को लेकर चर्चा में हैं। साल 1990 में भी सनी अपनी फिल्म घायल को लेकर भी कुछ इसी तरह चर्चा में थे। इस फिल्म ने न सिर्फ सनी के करियर को ऊंचाई दी बल्कि पापा धर्मेंद्र के सामने सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हालांकि धर्मेंद्र इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तब तैयार हुए जब कई प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। चलिए बताते हैं अपनी खास पेशकश टॉप की ब्लॉकबस्टर में फिल्म घायल की मेकिंग से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से के बारे में। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म घायल की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। करीब 163 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने 90 के दशक में 17 करोड़ रुपए कमाए थे। ये कमाई तब हुई थी जब ठीक घायल के साथ ही यानी 22 जून 1990 को ही आमिर खान माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म दिल भी रिलीज हुई थी। दिल जहां रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी वहीं घायल एक्शन ड्रामा फिल्म थी, लेकिन घायल को ही बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने के लिए कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार संतोषी ने जब फिल्म लिखी थी तब वह कमल हासन को ध्यान में रखकर लिखी थी। सनी देओल ने जब फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें पसंद आ गई। लेकिन सनी के नाम पर फिल्म को प्रोड्यूस करने से सबने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में पापा धर्मेंद्र आगे आए और अपने बैनर विजेता फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। अब सनी के अपोजिट एक्ट्रेस कास्ट करने की बात आई, श्रीदेवी का नाम आया, लेकिन उस वक्त कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने सनी के साथ फिल्में करने से इनकार कर दिया था। सनी ने अपनी फिल्म पोस्टर बॉयज के प्रमोशन के समय बताया था कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मेरी जगह शाहरुख, सलमान, ऋतिक रोशन के साथ फिल्में करना ज्यादा पसंद करती थीं। मैंने अपनी फिल्म घायल के लिए बात किया था लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया था। जब श्रीदेवी ने सनी देओल की हीरोइन बनने से इनकार कर दिया तो राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी शेषाद्री का नाम सुझाया था। कहते हैं कि राजकुमार के दिल में मीनाक्षी को लेकर बहुत खास जगह थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो सनी की बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें और पर्दे पर दहाड़ मारते डायलॉग ने सभी फिल्मी पंडितों को खुश कर दिया। शानदार रिव्यू लिखे गए और सिनेमाघरों में दर्शकों की लाइन लग गई। सनी देओल के फिल्मी करियर में टर्निंग प्वाइंट बनी फिल्म की सफलता को लेकर सभी आशंकित थे। खुद सनी देओल इतना घबराए हुए थे कि फिल्म के प्रीमियर पर जाने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सनी को डर था कि फिल्म का रिव्यू बेकार रहा तो पापा धर्मेंद्र को मुंह कैसे दिखा पाएंगे और उनकी बेइज्जती नहीं सह पाएंगे। मजे की बात है कि सनी से अधिक फिल्म की एक्ट्रेस रही मीनाक्षी को फिल्म हिट होने का भरोसा था। घायल के 30 साल पूरे होने पर धर्मेंद्र ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया था। इस वीडियो में मीनाक्षी ने कहा था, ये फिल्म किस हद तक चलेगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन सनी के बारे में मुझे ये विश्वास जरूर था कि वह जो मेहनत कर रहे इस फिल्म के लिए कि फिल्म हिट होनी ही थी। वहीं सनी कह रहे हैं कि हम कोई कॉमर्शियल टाइप फिल्म नहीं बना रहे थे। घायल में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री के साथ अमरीश पुरी, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी जैसे कलाकार थे। फिल्म को संगीत से बप्पी लहरी ने सजाया था। दोस्तों, ये रही बॉलीवुड फिल्म घायल की कुछ दिलचस्प बातें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी मित्रों का।